और अब एक बात बताइए चेतन आनंद, अभी जैसा आपने बताया कि वो बैठे हुए सत्ता पक्ष के साथ ही बैठे हुए थे, शायद अमिताभ बता रहे थे या आप दोनों में से किसी ने बताया, लेकिन चेतन आनंद अगर उनको टूटना ही होता, आरजेडी से अलग जाना ही होता, तो फिर वो क्यों आते तेजस्वी यादव के आवास पर, वहां पर जाके क्यों बैठते, बाद में कंप्लेन करवाई गई, फिर उनको 3:30 बजे भोर में उठा करके ले आया गया, घर गए और अब जाके भले वो वहां पे बैठे हो, तो ये मजबूरी में बैठे हैं सत्ता पक्ष के साथ, वो जबरन बिठाए गए हैं या वाकई उनकी इच्छा अनुसार ही है? जी बिल्कुल आशा, जब चेतन आनंद विधायक दल की बैठक में, आरजेडी के विधायक दल की बैठक में 2 दिन पहले पहुंचे थे, तो उस समय वो अपने स्वेच्छा से ही पहुंचे थे, लेकिन जब आनंद मोहन का प्रेशर जो है वो बढ़ा और जिस तरीके से चेतन आनंद के छोटे भाई ने पुलिस में शिकायत की, पहले पुलिस गई, चेतन आनंद से बात की तेजस्वी यादव के आवास पर और उन्होंने कहा कि मैं स्वेच्छा से यहाँ आया हूँ क्योंकि हमारे पार्टी की विधायक दल की बैठक होनी है इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, और उसके बाद पुलिस लौट जाती है। दोबारा जब चेतन आनंद के भाई ने कहा कि नहीं, उनको जबरन वहाँ पर रखा गया है, उसके बाद पुलिस जाती है, दोबारा देर रात करीब 2 बजे के आसपास दोबारा पुलिस जाती है और चेतन आनंद को वहाँ से निकालकर उनके घर पर पहुँचाया जाता है। तो निश्चित रूप से ये प्रेशर जो है ये चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन का है, क्योंकि आनंद मोहन नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे चेतन आनंद जो हैं वो आरजेडी के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि जब आनंद मोहन बाहर निकले थे तो उन्होंने एक तरीके से शुक्रिया अदा किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उन्होंने कहा था कि अगर कानून में संशोधन नहीं किया होता नीतीश कुमार ने तो जेल से बाहर हम नहीं आते। तो निश्चित रूप से ये एक जो आनंद मोहन के साथ जो हुआ, जिस तरीके से मदद की नीतीश कुमार ने या नीतीश कुमार की सरकार ने उनको जेल से बाहर करने के लिए, तो उसी का ये प्रेशर माना जा रहा है। जिस तरीके से आनंद मोहन अपने बेटे पर प्रेशर बनाए और उसके बाद उनको घर से बाहर लाया गया और आज सुबह चेतन आनंद के साथ आनंद मोहन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और दोनों के बीच बातचीत हुई, और अब ये माना जा रहा है कि सदन के अंदर चेतन आनंद बैठे हुए हैं लेकिन वो अपने खेमे के साथ नहीं है, वो सत्ता दल के साथ हैं, वो नीतीश को। ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए ये पटना की तस्वीरें और जो अमिताभ लगातार सुबह से बता भी रहे हैं, देखिए आरजेडी के ये कार्यकर्ता हैं जो कि सड़कों पर है, जिन पर लाठियां भी भांजा जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, ये हालात है वहां पर। सोचिए ये 28 तारीख को पाला बदल और उसके बाद जो कुछ हो रही बिहार में आश्चर्यजनक है। ये सड़कों पर ये देखिए किसके पास विधायक है, संख्या बल कितना है, ये सदन में होना है लेकिन उसके पहले एक जोर आजमाइश जो है वो सड़क पर देखने को मिल रही है। ये हालात बिहार में, ये किसी राज्य में आपको देखने को मिले ना मिले, झारखंड में अभी भी स्थितियां बनी थी लेकिन वहां पर बड़े आसानी से सब कुछ निकल गया। बिहार अपने आप में इकलौता राज्य साबित हो रहा है क्योंकि ये तीसरा बड़ा राज्य है बिहार, जहां पर 40 लोकसभा की सीटें भी आती है, देखिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार, वहां पर हालात क्या है, वहां पर राजनीतिक रूप से एक तो परिपक्वता जो है वो बहुत ज्यादा बिहार में बहुत साउंड समझे जाते हैं बिहार के लोग, राजनीतिक रूप से उसकी समझ को भी देखा जाए, लेकिन ये टसल इशारा इस बात की ओर करती है कि लोकसभा चुनाव में क्या हालात होने जा रहे हैं। भी से देखिए सरकार बचाएंगे या सरकार जाएगी, नीतीश कुमार बात की बात, आरजेडी के कार्यकर्ता वहां पर घमासान पे उतारू हैं क्योंकि तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि खेला होगा। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए, मैं सौरभ फिर एक बार आपके पास आ रही हूं, ये क्योंकि एक खबर ये भी आ रही थी कि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर